ग्रामीण विद्या उपासक संघ की प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य उमेश शर्मा ने प्रेस वार्ता में कहा कि ग्रामीण विद्या उपासकों की नियुक्ति वर्ष 2001 में एसएसए के तहत हुई थी। वर्ष 2009 में प्रदेश सरकार ने 148 अनुदेशकों को जीबीयू बनाया था। उन्होंने कहा कि फिर इस वर्ग ने नियमित होने के लिए साल का डीएलएड का कोर्स भी पीएटी शिक्षकों के साथ पूरा किया। ग्रामीण विद्या उपासक संघ की प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य उमेश शर्मा ने प्रेस वार्ता में कहा कि ग्रामीण विद्या उपासकों की नियुक्तियां वर्ष 2001 में एसएसए के तहत हुई थी। वर्ष 2009 में प्रदेश सरकार ने 148 अनुदेशकों को जीबीयू बनाया था। उन्होंने कहा कि फिर इस वर्ग ने नियमित होने के लिए साल का डीएलएड का कोर्स भी पीईटी शिक्षकों के साथ पूरा किया। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार ने भेदभावपूर्ण रवैया अपनाते हुए पीईटी शिक्षकों को तो नियमित कर दिया, लेकिन 148 जीबीयू जो सभी योग्यताएं पूरी करते हैं उन्हें नजरअंदाज कर दिया। उमेश शर्मा ने बताया कि 5 जुलाई 2020 को सरकार ने इस वर्ग को नियमित करने का प्रपोजल मांगा था, लेकिन आज तक उनकी फाइल यूं ही घूमती जा रही है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में सरकार के लगातार आश्वासनों से ये वर्ग परेशान हो गया है। उन्होंने कहा कि योग्यताएं पूरी करने के बावजूद इस वर्ग के नियमितीकरण को बेवजह लटकाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने अगली मंत्रिमंडल की बैठक में इस वर्ग के नियमितीकरण पर मोहर नहीं लगाई तो ये वर्ग आगामी रणनीति बनाने तथा सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करने को मजबूर होगा। मेरा नाम उमेश शर्मा, ग्रामीण विद्योपासक ईजीएस की मैं राज्य कार्यकारिणी सदस्य हूँ। सर, हमारी समस्या ये कि हमारी नियुक्तियाँ वर्ष 2001 में ईजीएस केंद्रों में जो एसएसए के तहत हुई थी, वर्ष 2009 में सरकार ने हमें ग्रामीण विद्योपासक बना दिया था। फिर हमने नियमित होने के लिए 2 साल का डीएलएड कोर्स पैट टीचरों के साथ ही पूरा किया था। जैसे पैट टीचर्स ने जो जो शर्तें थी रेगुलाइजेशन के लिए हमने वो पूर्ण कर ली थी, लेकिन सरकार ने भेदभाव की नीति अपनाते हुए पैट को नियमित कर दिया परंतु हमें नहीं, जबकि हम 148 ग्रामीण विद्योपासक भी सारी योग्यताएँ पूरी करते हैं। सर, 5 जुलाई 2020 को सरकार ने हमें नियमित करने का प्रपोजल सरकार से मांग लिया था, परंतु आज तक हमारी फाइल ऐसे ही घूम रही है। हम इस कोरोना काल में सरकार के आश्वासन सुनते सुनते दुखी हो गए और सरकार से बार बार मिल रहे हैं, ईएम साहब से, सीएम साहब से बार बार हम लोग जाके मिल रहे हैं, डिपार्टमेंट से मिल रहे हैं जाके, लेकिन हमें हमारी फाइल जो तकरीबन पूरी तैयार है, वो फाइनेंस तक भी हमारी फाइल जो पहुँच चुकी है, लेकिन बार बार वहाँ पर कोई ना कोई क्वेरीज लग जाती है और यही पूछा जाता है बार बार कि कैसे हुई इनकी नियुक्ति, क्यों हुई, कैसे हुई, कितने सदस्य। एक्चुअली हमारी ये प्रॉब्लम रही है सर कि हम 2009 में जब हम लोग ग्रामीण विद्योपासक बनाए गए थे उसमें कुछ टीचर्स जो थे हमारे साथ जुड़े हैं वो कोर्ट केस के थ्रू आए थे 2012 में और 13 में, और उसके बाद सर मतलब हमारी कैटेगरी में 2-3 थोड़े से वेरिएशन आ गए, क्योंकि जो कोर्ट के थ्रू आए सरकार उनमें थोड़ा सा पजल हो गई कि अलग है। लेकिन हम लोग इस वक्त 127 टीचर्स जो हैं वो बिल्कुल पूरा अपना 15-15, 12-12, 13 साल का कार्यकाल पूरा करते हैं। वो जैसे सरकार ने पैट को नियमित किया हमारा भी रेगुलाइजेशन के साथ ही बनता था, इवन कि हमारा उनसे पहले बनता था, क्योंकि हमारी जो नियुक्ति थी 2001 की योजना के तहत हुई थी। हमारे जो ऑर्डर्स थे ग्रामीण विद्योपासक के उसमें ये साफ लिखा गया है कि इनकी नियुक्तियाँ जो ग्रामीण विद्योपासक की योजना 2001 की योजना के तहत जो इनकी नियुक्तियाँ अंगेस जेबीटी की जाती हैं, लेकिन हमें उस नीति का कोई भी लाभ नहीं मिला। आज 12-12 साल कंप्लीट होने के बाद भी हमें नियमित नहीं किया जा रहा है। सीएम साहब से मिले तो यही बोला कि जैसे ही पैट, पहले पैट का होने दो क्योंकि उनके ऊपर कोर्ट केस चला हुआ था, लेकिन आपके ऊपर कोई कोर्ट केस नहीं है, लेकिन इनके जैसे ही इनका होता है वे आपका भी हो जाएगा। तो हमारे जैसे ही पैटों का नियमितकरण हुआ तो 5 अगस्त को हमारी फाइल जो हमारा प्रपोजल भी सरकार ने मांग लिया था, उसके लिए लाइव भी सरकार ने किया था कि ग्रामीण विद्योपासकों को भी जल्दी सरकार नियमित करेगी, लेकिन उसके बाद आज तक हमारे हम हर कैबिनेट को देखते देखते हमारी आंखें ही पथरा गई हैं कि हाँ हमारा इस कैबिनेट में होगा, अगली कैबिनेट में होगा, लेकिन आज तक हमारा नियमितकरण नहीं हो पाया है। हम तो यही चाहते हैं कि जिस सरकार ने हमें रखा है वो सरकार हमारा काम करे, क्योंकि मैं सरकार को ये भी याद दिलाना चाहती हूँ कि जैसे सरकार जो 2017 में सरकार सत्ता में आई थी सर, तो सरकार ने विपक्ष के सामने पहले विधानसभा सत्र में ये बहसबाजी हुई थी कि कांग्रेस सरकार ने अपने पैट शिक्षकों का वेतनमान जो 2150 और प्लस
इंक्रीमेंट के साथ बढ़ा दिया था, लेकिन हमारा नहीं बढ़ाया था। लेकिन उस समय श्री सुरेश भारद्वाज जी हमारे शिक्षा मंत्री बने थे और उन्होंने आते ही हमें ये तोहफा दिया था। और उन्होंने प्रश्नकाल में भी हमारा ये कि आपने हमारे टीचरों को छोड़ दिया है, हमारे टीचरों के साथ कांग्रेस सरकार ने मतभेद किया और हमें उस टाइम आते ही जो है इंक्रीमेंट के साथ हमें 2150 का तोहफा दिया था। उसके लिए हम सरकार के बहुत आभारी हैं। लेकिन मैं सरकार को ये याद दिलाना चाहती हूँ, उस वक्त आपके दिल में हमारे प्रति अपनापन था और आपने आता ही हमारा काम किया, लेकिन आपने इस वक्त पैटों का काम कर दिया और अपने अपने आप टीचर्स जो आपने रखे हैं जिनका आपने आते ही आपने मानदेय बढ़ाया और आपने इंक्रीमेंट दी, लेकिन अब हमारे सरकार हमारा काम करने के मूड में क्यों नहीं है? हमें इतना क्यों सताया जा रहा है? इस कोरोना काल में हम बार बार शिमला नहीं जा सकते हैं, ना ही हमारे पास फाइनेंशियल सपोर्ट है, ना ही हमारे पास इतना आने जाने के साधन है कि हम गाड़ियां कर करके बार बार शिमला जाएं। और हम तकरीबन पता नहीं कितने बार, अभी लास्ट वीक भी हमारे टीचर शिमला में EM साहब से CM साहब से मिल चुके हैं और बार बार जाना संभव नहीं है इस कोविड टाइम में। तो हम सरकार से यही प्रार्थना करते हैं कि हमारा जो नियमितीकरण है आने वाली कैबिनेट में कर दिया जाए, आचार संहिता से पहले पहले हमारा नियमितीकरण हो जाए। हम ये नहीं चाहते कि अपनी सरकार के खिलाफ हमें कोई धरना प्रदर्शन करना पड़े या कोर्ट में जाना पड़े, ताकि इसमें अपनी ही अपनी सरकार की इंसल्ट है और हमारी भी इंसल्ट है। तो हम सरकार से ये करवत प्रार्थना करते हैं कि हमारा नियमितीकरण जो है आचार संहिता से पहले पहले कर दिया जाए। हाँ जी,